हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान, पर्यावरण और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं क्यूज से इस बुक में, वो सभी हम करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन हम करेंगे और इसके बाद उस क्वेश्चन से हम उसकी पिक भी लाए हैं, मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड पिक भी लाए हैं, ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो पाए, आपके दिमाग में बैठ पाए। वहाँ पर जब आप देखेंगे, हर क्वेश्चन का लगभग आपको पिक दिया गया है। ठीक है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके ढूंढ मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब। टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन मैं पूरी तरह से याद करवा दूँगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, लगभग 40-45 मिनट मैं आपको पूरा याद करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है 4 अक्टूबर 2023 को रसायन शास्त्र में नोबल पुरस्कार जो घोषणा की गई है, मेनली कौन कौन लोग पाए हैं? तो पहला कथन पढ़िए और दूसरा कथन पढ़िए, दोनों बताइए कौन सही है। ठीक है, इसमें कह रहा है, इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों, मोंगी जी बावंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमो को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अभी प्रदान किया जाएगा, दिसंबर में अभी प्रदान नहीं किया गया, घोषणा कर दिया गया है, ऐसे ही होता है नोबल में। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए प्रदान किया जाएगा। तो देखिए, अब हम यहाँ पे फिगर में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोंगी जी बाउंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी इकिमो। ठीक है, तो यही तीनों लोग हैं जिनको 1/3 में, 1/3 में और 1/3 में तीनों लोग को बटेगा। और इनकी अब ये भी पूछ सकता है किस लिए दिया गया है, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, क्वांटम डॉट की खोज और फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, याद रखिए, सिंथेसिस के लिए, फोटो नहीं, सिंथेसिस के लिए। तो याद रखिएगा, संश्लेषण के लिए और प्रकाश क्वांटम डॉट्स की खोज। ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन है? मोंगी है, मोंगी से मैगी याद रख लीजिए, क्योंकि मैगी जब बनाते हैं आप तो उसमें रासायनिक क्रिया होती है। तो रासायनिक क्रिया होती है ना, मतलब कोई चीज़ अगर पकाते हैं तो रासायनिक क्रिया होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्जी पकाना रासायनिक क्रिया है कि भौतिक क्रिया है, तो वो रासायनिक क्रिया है। तो मोगी से मैगी याद रख लीजिए, रासायनिक क्रिया। ब्रूस याद रख लीजिए, ठीक है, ब्रूस, तो ब्रूस से ब्रूसली, तो याद रखिएगा ब्रूसली। ठीक है, तो ब्रूसली जहाँ मारता था वहाँ डॉट्स पड़ जाता था, तो क्वांटम डॉट्स। ठीक, एलेक्सी एकिमो, ठीक है, तो एलेक्सी एकिमो। एक फिगर देख लीजिए, यही तीनों लोग हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा सही है? दोनों आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मोंगी बाउंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमो तीन लोग हैं। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा, एक दो बार PDF भी देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। ठीक है, याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास 2023 से कौन सब सही है? कह रहा है, यह भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 1 वर्षीय अभ्यास है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं ये भारतीय और वायु मतलब अमेरिकी और भारतीय सेना द्वारा है। दूसरा देखते हैं क्या कह रहे हैं, इसका 19वां संस्करण 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। अब बताइए ये सही है कि गलत है, कहाँ किया गया, ग्वालियर में किया गया कि और कहीं? तो आपका ये वाला गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला वाला आपका सही है और ये वाला गलत है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? अच्छा, इसमें सही नहीं है बता रहा है, तो सही कौन सा नहीं है? दूसरा वाला आपका सही नहीं है। ठीक है, तो इस पर लगा दीजिए, ये भी देखा करिए। ठीक है,
ये ही बहुत इम्पोर्टेंट है, कई क्वेश्चन हम सबका इससे ही गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा सही नहीं है। अब ये पूछेंगे तो ये तो भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास हुआ, लेकिन हुआ कहाँ? जब मध्य प्रदेश में नहीं हुआ तो हुआ कहाँ? तब देखिए, ये हमारे इंडिया के जवान हैं, ये वहाँ गए, ठीक है, अमेरिका के जवान हैं, ठीक है। तो ये हुआ कहाँ है? ये अलास्का, याद रखिएगा, फोर्ट बिनराइट, कहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहाँ पे हुआ, ठीक है, कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था? फोर्ट फोर्ट बिनराइट में हुआ था, ठीक है, फोर्ट बिनराइट कहाँ हुआ था? अलास्का, अलास्का यूएसए, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ? फोर्ट विनराइट अलास्का यूएसए, एमपी में नहीं हुआ, ठीक है। और ये वार्षिक अभ्यास है, याद रखिएगा, वार्षिक एक्सरसाइज है, वार्षिक अभ्यास है। ये ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन भी वहाँ जल्दी मिल जाता है। तो आई होप इसको आपको समझ में आ गया। तो दूसरा आपका सही है, मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में दूसरा कह रहा सही है, ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन ऑपरेशन सजग पूछ रहा है, कह रहा ऑपरेशन सजग किससे रिलेटेड है? तो ऑपरेशन सजग बहुत बार पूछेगा। अभी हम कल पढ़ाए थे ऑपरेशन शेष पढ़ाए थे, उसका लिंक इसी वीडियो में नीचे दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। ऑपरेशन शेष हम किससे पढ़ाए थे? कि पुष्पा मूवी, पुष्पा मूवी क्या, रेड चंदन का जो लकड़ी होती है उसकी जो स्मगलिंग होती है उससे रिलेटेड था ऑपरेशन शेष, ठीक है, जाके उसको भी देख लीजिए। तो देखिए अब ये क्या कहता है, ऑपरेशन सजग किससे कह रहा है? भारतीय रेलवे द्वारा महिला सुरक्षा हेतु तो चलाया गया एक अभ्यास, ये एकदम गलत है, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या है अभी मैं बताता हूँ, इसे सही पूछ रहा है, इसे 12 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है, ये भी आपका गलत है। तो ये कब आयोजित किया गया है? अब देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या है, ठीक है, ऑपरेशन सजग, तो ऑपरेशन रेशन सजग क्या है, ऑपरेशन सजग क्या है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन सजग, तो ऑपरेशन सजग क्या है? ये है पश्चिमी समुद्री तट पर, पश्चिमी समुद्री तट कहाँ है याद रखिएगा, पश्चिमी समुद्री, ठीक, समुद्री पश्चिमी समुद्री तट पर चलाया गया एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है, समुद्री तट पर चलाया गया, ठीक है, चलाया गया एक तटीय सुरक्षा अभ्यास, ठीक है, सुरक्षा अभ्यास, ठीक है। इसको यह आप सही, ऑपरेशन यहाँ सजग, ठीक है, ऑपरेशन सजग है। अब देखिए ये ऑपरेशन सजग कब हुआ था, ये भी पूछ सकता है, कब हुआ था? 18 सितंबर को हुआ था, ठीक है, 18 सितंबर 2023 को हुआ था, किसके द्वारा किया गया था याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये भी पूछ सकता है ना, किसके द्वारा किया था ऑपरेशन सजग, किसके द्वारा किया गया था? तो वहाँ दे देगा किसी, मतलब किसी पुलिस का नाम दे देगा, या किसी और का नाम दे देगा, किसी सेना का नाम दे देगा। तो वहाँ पे याद रखिएगा किसके द्वारा, भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, तो ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। अब इसका काम क्या था, मतलब इसकी मतलब क्या था, तो समुद्री मछुआरों में जागरूकता पैदा करना, ठीक है, तो याद रखिएगा समुद्री मछुआरों में आरो में जागरूकता पैदा करना, ठीक है, जाग सॉरी जागरूकता, ठीक है, जागरूकता पैदा करना, ऑपरेशन सजग, ठीक है, याद रखिएगा उद्देश्य है ये,
इतना आपको याद रखना है, ठीक। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तभी मैं ज़्यादा समय लिया, तो आपका इसमें डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कोई नहीं, पश्चिमी तट पर चलाया गया एक तटीय समुद्री अभ्यास है 18 सितंबर 2023 को किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, समुद्री मछुआरों में जागरूकता पैदा करना, ठीक है। पश्चिमी तटीय मतलब ये इस साइड, ठीक है, इस साइड की बात कर रहा है। अब देखिए ये वाला, देखिए क्वेश्चन ये वाला कह रहा है, सितंबर 2023 में किस देश के विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने पहला C-295MB परिवहन विमान भारतीय वायुसेना को सौंपा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले करने से पहले प्लीज़ एक बार आप वीडियो को नीचे में देखिए, अगर सब्सक्राइब का बटन दिया है आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। देखिए बुक में ये सब फिगर दिया थोड़ी है, लेकिन मैं फिगर आपको ढूंढ ढूंढ के ला के दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कितना है, यही है आपका क्या है, C-295, ठीक है। तो C-295 ये है। अब देखिए ये किसके द्वारा दिया गया, स्पेन के द्वारा, याद रखिएगा C-295 जो है MB ये किसके द्वारा, स्पेन के द्वारा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बात और कही गई है, दूसरा ये तो पहला मिल गया, दूसरा जो हुआ है सेकंड वाला, सेकंड वाला कब मतलब दिया जाएगा, ये 2024 तक, ठीक है। तो 2024 तक सेकंड वाला दिया जाएगा और 2025 तक 16 विमान सौंपे जाएंगे, ठीक है, 16 विमान सौंपे जाएंगे। अब देखिए ये पूछ सकता है ये किस कंपनी द्वारा, तो एयरबस द्वारा, याद रखिएगा एयरबस यही पूछेगा, और ये नाम याद रखिएगा C-295MB, ठीक है। तो C-295MB याद रखिए, एयरबस याद रखिए और स्पेन याद रखिए, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना है, 2025 तक हमको 16 पूरा सौंप दिया जाएगा, 16 मोदी जी ने ऑर्डर दिया है, कहे हैं कि हमको 16 चाहिए, तो स्पेन वाले कहें सर हम आपको दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है, और 2024 में सेकंड वाला आपको सौंपा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ 2 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना के लिए आधारशिला रखी, ठीक है। ये वाला एक बार देख लीजिए, हाँ ये वाला सही है, नहीं तो मैं सोचा कहीं दूसरा नहीं लगा दिया हूँ, ठीक है। तो बताइए इसको कहाँ पे रखी, पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना रखी, तो बताइए समुद्री शैवाल पार्क, यही देखिए शैवाल है ना, तो ये पार्क समुद्री शैवाल, तो कहाँ रख सकते हैं, कोई तटीय मतलब क्षेत्र जैसे इंडिया है, ये यहीं कहीं हो सकता है, यहाँ हो सकता है, चाहे यहाँ इसी समय हो सकता है, बिहार में तो हो नहीं सकता, तो ये कहाँ रखे हैं समुद्री शैवाल, तमिलनाडु में, याद रखिएगा तमिलनाडु, ठीक है। तब समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना तमिलनाडु में, तो ठीक है याद रखिएगा शैवाल पार्क, ठीक है। किसने मतलब आपको पूछ सकता किसने लिखा, तो केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने, तो किसने मतलब आधारशिला रखी, तो आधारशिला, ठीक है। तो आधारशिला किसने रखी थी, आपका कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला, तो याद रखिएगा पुरुषोत्तम रूपाला, ये मंत्री हैं, मंत्री कौन से मंत्री हैं, ये आपका मत्स्य, ठीक है, मत्स्य पालन और पशुपालन, ठीक है याद रखिएगा पशु पालन मंत्री हैं ये, ठीक है, डेयरी मंत्री हैं ये, डेयरी मंत्री, तो इन्होंने आधारशिला रखी तमिलनाडु में शैवाल पार्क की, याद रखिएगा। चलिए ये देखिए, अब देखिए आदित्य यलवन मिशन से संबंधित है, कौन सा इसमें सही है, ठीक है, इसमें बताइए कौन सा आपका आदित्य यलवन में कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कसार श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया, ठीक है। तो सतीश धवन श्री हरिकोटा कहाँ से, इसरो द्वारा श्री हरिकोटा से,
इसे इसरो के PSLV 658 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा, वो सिंपल क्वेश्चन मत समझिएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। ऐसे ही सिंपल ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपका होगा सिलेक्शन। अभी वो सब इसकी राजधानी कहाँ है, वहाँ के PM कौन बने, वहाँ के CM कौन बने, ये वाला क्वेश्चन हम नहीं पूछता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा होगा, यहाँ पे पहला सही होगा, ये वाला गलत होगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पे पहला होगा, ठीक है, ये वाला होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया 58, तो ये 57 कर लेंगे सही हो जाएगा, 57XL, याद रखिए यही गलती करके दिया है, 57XL। अब देखिए इसके बारे में समझ जाइए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक दशमलव, देखिए जब ये देख लीजिए वहाँ पे जब पेपर में आपका आएगा तो ये वाला फिगर आपको याद रहेगा, ये सब फिगर आपको याद रहेगा तो वहाँ पे कर लेंगे। अब देखिए 57 से यहाँ छोड़ा गया, अब देखिए यहाँ से कितना किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर गया, ठीक है, याद रखिए 1.5 मिलियन, ये भी पूछ सकता है कितना किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर, किस पे, L1। अब पूछेंगे L1 है क्या, तो L1 एक लाग्रेंज पॉइंट है, याद रखिएगा ये कौन सा पॉइंट है, लैंग्रेंज पॉइंट, ठीक है, ये लैंग्रेंज पॉइंट है, ठीक है, याद रखिएगा। आप पूछेंगे ये लैंग्रेंज पॉइंट होता क्या है, अब देखिए लैंग्रेंज पॉइंट ये होता है जहाँ पे पृथ्वी, मतलब हमारे जो हमारी पृथ्वी है और सूर्य के बीच जो मतलब आकर्षण बल होता है वो शून्य हो जाता है, जहाँ पर सूर्य तथा पृथ्वी का आकर्षण बल शून्य हो जाता है, आकर्षण बल शून्य हो जाता है, ठीक है, आकर्षण बल, आकर्षण कैसे लिखा जाएगा, वर्तनी का देख लीजिए ऐसे लिखा जाता, शून्य हो जाता है। तो अगर कोई पूछ ले कि हमारा ये लैंग्रेज पॉइंट कौन है, ये जो सूर्य गया है वो L1 पे गया है, ठीक है, L1 कितने पॉइंट है, L5 पॉइंट है, कितने पॉइंट है, L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है, ठीक, इतने पॉइंट है, और आदित्य किस पे गया है, L1 में गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो लैंग्रेज पॉइंट क्या होता है, लैंग्रेज पॉइंट होता है जहाँ पर सूर्य तथा पृथ्वी का आकर्षण बल शून्य हो जाता है, उसको लैंग्रेज पॉइंट कहा जाता है। अब देखिए यहीं पे गया है ये, ठीक है, यहाँ से कितनी दूरी तय किया है, 1.5 मिलियन, किस मतलब PSLV से, PSLV 57, याद रखिए वो भी मैं लिख देता हूँ, PSLV C57 से, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको समझ में आ गया, इसरो द्वारा छोड़ा गया, बस नहीं तो DRDO लगा दें आप, ठीक है। तो कौन सा सही है, पहला वाला, श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया, कब छोड़ा गया, 2 सितंबर 2023 को, तो कौन सा, सितंबर अक्टूबर, गांधी जी के जन्म के एक महीने पहले छोड़ दिया गया, ताकि गांधी जी भी सोचे कि हमारा जन्मदिन आ रहा है, उन्होंने कुछ काम किया है, गांधी जी को दिखाना भी पड़ता ना क्या क्या काम किए हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, वरुण अभ्यास के बारे में बताइए कौन सा सही है, यह भारतीय और फ्रांस की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, ठीक है, सितंबर 2023 में 21वें संस्करण का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित हुआ, तो इसमें कौन सा आपका सही है, तो इसमें बताइए कौन सा सही है, इसमें आपका दोनों सही है, याद रखिएगा इसमें दोनों सही है, ठीक है, यह भारतीय और फ्रांस की नौसेना के बाद द्विपक्षीय अभ्यास है, इस सितंबर 2023 में 21वें चरण का दूसरा चरण अरब सागर में, याद रखिएगा इंडिया है अपना, ठीक है, यहीं पे आयोजित किया हुआ, चलिए मैं आज इंडिया बना ही देता हूँ, ज़्यादा सही नहीं बनेगा लेकिन बनेगा, ठीक है,
देखिए जैसा भी बना है, मान लीजिएगा ये इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया पे कहाँ पे ये हुआ, अरब सागर में, याद रखिएगा अरब सागर में, सागर में, ठीक है। तो अरब सागर में बना है, ठीक है। ये आपको मतलब ये अभ्यास, वरुण अभ्यास कहाँ हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ वरुण अभ्यास, ताकि आप जब पीडीएफ खोलें तो अभ्यास किसके बीच हुआ था, इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, कह रहा है 21वां चरण है, तो याद रखिएगा 21 कर दीजिए, 21वां, ठीक है, 21वां वरुण अभ्यास। और क्या कह रहा है, नौसेना के बीच का है, तो नौसेना लिख दीजिए, नौसेना, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए भारत का झंडा, फ्रांस का झंडा यहीं पे हो रहा है, ठीक है, यहीं पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। युद्धपोत महेंद्रगिरी के नाम, मतलब महेंद्रगिरी के बारे में दिया है, बताइए कौन सा सही है। अब देखिए इसे 1 सितंबर 2023 को राष्ट्र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेव धनखड़ द्वारा मुंबई से लॉन्च किया गया। इसका निर्माण मेमस मजगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया। तो बताइए, क्योंकि इतना भारी है ये, अब ये चेन्नई में थोड़ी होगा, तो मुंबई में किया गया, तो वहीं पे वो इनोग्रेट भी कर दिया गया। तो किसने किया, डॉक्टर सुदेव धनखड़, उनकी पत्नी जगदीप धनखड़ की, किसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा। तो आपका दोनों ही सही है, याद रखिएगा आपका दोनों ही सही है, ठीक है। यही है महेंद्रगिरी, कहाँ पे, मुंबई में, मुंबई। किसने बनाया, मझगांव, ठीक है, तो मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, तो मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है, ठीक है, याद रखिएगा, इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें, युद्धपोत महेंद्रगिरी। चलिए ये देखते हैं, नवाचार और तकनीकी कौशल में हैदराबाद स्थित निजी कंपनी ग्रेन रोबोटिक्स ने विश्व का प्रथम और एकमात्र स्वायत्त विस्तृत क्षेत्र काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली इंद्रजाल का अनावरण किया। इंद्रजाल का पूर्ण रूप से भारत में विकसित किया गया है, जो प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र में देश की इस क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है, ठीक है, तो इसमें आपका दोनों ही सही है, ठीक है, याद रखिएगा। ये अब देखिए ये कौन है, अब देखिए ये हैं उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह, याद रखिएगा, ये जनरल गुरमीत सिंह है, गुरमीत सिंह है, ठीक है, याद रखिए, जनरल गुरमीत सिंह है, कहाँ के राज्यपाल हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल, उत्तराखंड के राज्यपाल, ठीक है। तो याद रखिएगा इंद्रजाल, इसको मतलब किसने अनावरण किया, उत्तराखंड के, बनाया किसने है, हैदराबाद की इस निजी कंपनी ग्रेन रोबोटिक्स ने बनाया है, ठीक है, याद रखिएगा इंद्रजाल। तो आपको यही है इंद्रजाल, ये देखिए इंद्रजाल लिखा गया नहीं नीचे यहाँ पे, तो यही है, यहाँ मिटा देता हूँ, तो ये ही आपका इंद्रजाल है, ड्रोन है, ठीक है, तो इंद्रजाल, ठीक, कैसे ही बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा किसने इसका अनावरण किया, उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने, ठीक है, ये राज्यपाल है वहाँ के, ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में स्वदेश निर्मित 600 एंटी टैंक माइंस विभव नाम दिया गया, जिसे, ठीक है, भारतीय सेना में शामिल किया गया। डीआरडीओ द्वारा विकसित विभव एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक बारूद मिसाइल है, ठीक है। अब देखिए कि अब इसमें बताइए कौन सा आपका सही है, ठीक है, सही है, तो मैं बताऊँ दोनों सही है। एक एंटी टैंक माइंस है जो है, उसका नाम क्या है, विभव है, याद रखिए उसका नाम विभव है। अब विभव को मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है, मैं एक एक फिगर लाया हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ये देखिए विभव, यही आपका विभव, इसको किसने
ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, DRDO का लोगो बना है। तो विभव याद रखिएगा, DRDO का क्या करता है ये है आपका एंटी टैंक माइंस है, ठीक है। जो टैंक नहीं होते, जैसे मतलब मान लीजिए चाइना का टैंक अपने यहाँ आ गया, तो हम सब क्या करेंगे, यही विभव नीचे बिछा देंगे, ठीक है। वो आएगा इस डूम उड़ जाएगा टैंक, इस पर जैसे चढ़ेगा बूम से उड़ जाएगा। तो ये विभव है, DRDO द्वारा विकसित किया गया है, बस इतना याद रखिए। ये वाला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन पढ़िए। अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्व का पहला BS6 स्टेज सेकंड इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का प्रोटोटाइप का विमोचन किया। यह प्रोटोटाइप किसके द्वारा विकसित किया गया है? अब देखिए ये मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, इसके बाद इसका आंसर आप दे देंगे, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन है, अब इसका आंसर ये यहाँ पे क्या लिखा गया है, ठीक है। तो BS6 फ्लेक्स फ्यूल अगर पेपर में आ गया तो आपको मैं फिगर दिखा रहा हूँ कि हाँ वहाँ कोने में लिखा था टोयोटा, वहाँ कोने में लिखा था। अब ये क्या है, ये हमारे मंत्री हैं जो अच्छे काफ़ी मंत्री माने जाते हैं, नितिन गडकरी जी। और फ्लेक्स फ्यूल, ये देखिए फ्लेक्स फ्यूल, ठीक है। तो याद रखिएगा यही है फ्लेक्स फ्यूल, ठीक है। तो फ्लेक्स फ्यूल यही है। तो यहाँ पूछ रहा है किस यह प्रोटोटाइप किसके द्वारा विकसित किया गया, यहाँ टोयोटा लिखा गया ना, तो टोयोटा कहाँ है, ये देखिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर। बस यही आपको करना है और कुछ नहीं, फिगर से देखिए याद हो गया। अब याद रखेंगे एक फिगर, गाड़ी खड़ी थी वहाँ पीछे टोयोटा लिखा था। ये भी अस्त्र मिसाइल आपका ये है, देख रहे हैं कितना नुकीला है, चाइना को लगेगा तो 10 बार सोचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है लिखा गया है, अस्त्र मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित विचार कीजिए, कौन अस्त्र मिसाइल से कौन संबंधित सही है। 23 अगस्त 2023 को हल्के लड़ाकू विमान LCA, ठीक है, LSP तेजस ने गोवा के तट पर इस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया, ठीक है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही है। सही पूछ रहा है ना, तो राइट पूछ रहा है, तो राइट बताना आपको। तो ये आपका फर्स्ट वाला राइट है, ठीक है, ये सेकंड वाला गलत है। यहाँ पे लिखा गया हवा से, सतह से हवा में, ठीक है, सतह से हवा में, नहीं ये वाला आपका गलत है, ठीक है। तो ये हवा से हवा, ठीक है। अब अस्त्र जो, अब इसी से पता चल जाता है, जैसे जो अस्त्र होता है हिंदी में आप देखिए, अस्त्र जो होता है, ठीक है, वो दूर फेंक के मारा जाता है, और जो शस्त्र होता है, ठीक है, वो साथ में लेके मार लेकर मतलब साथ में आप मारे, तो ये अस्त्र क्या है, हवा से हवा में प्रहार करने वाली, ठीक है, तो शस्त्र नहीं। तो यहाँ हटा देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा अस्त्र है हवा से हवा में मार करने वाली, तो पहला वाला सही है। पसंद आ रहा होगा तो एक सब्सक्राइब के नीचे बटन दिया गया है, प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए। एक परबल रिवाल्वर आया था, ठीक है, अभी बहुत चर्चा में था, कौन सा सही है, तो बताइए कौन सा सही है। तो एक यहाँ 50 अगर कर लेंगे तब ये सही हो जाएगा, यही आप कौन सही नहीं है, तो यही आपका सही नहीं है, ठीक है। यहाँ 35 के स्थान पर 50 होना चाहिए। अब देख लीजिए कैसे है, यहाँ लिखा गया इस उस रिवाल्वर का ना, पूछ सकता है कि अभी एक 50 मीटर तक मारक क्षमता वाली एक रिवाइवल लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, तो क्या है, प्रबल नाम है। यह भारत की सबसे ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल है, हाँ मतलब रिवाल्वर है, हाँ रिवाल्वर की मारक क्षमता 50 मीटर है। यह भारत में निर्मित होने वाली पहली रिवाल्वर है जिसमें साइड स्विंग सिलेंडर है, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें साइड स्विंग सिलेंडर भी है, तो आपका सब सही हो जाए। अब IS विंध्यागिरी के बारे में जान लेती हैं, इसका फिगर देख लीजिए आपको याद हो जाएगा। IS विंध्यागिरी लॉन्च किया गया किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये 6 वेसल है प्रोजेक्ट 17 का, अल्फा फाइटर, ठीक है, तो प्रोजेक्ट 17 का 6 वेसल है, मतलब 7 बनाने को बोला जाता है, 6वां है ये।
विंध्यागिरी, ठीक है, सिर्फ ऑफ द इंडियन नेवी को दिया गया, नेवी को दिया जाएगा ना, या थोड़ी उनको दिया जाएगा ये वायुसेना को। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 17 अगस्त 2023 को इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। तो अभी हम क्या यहाँ पढ़ रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू ना, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है, पहला आपका गलत हो गया। सही पूछा है, यह प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे 7 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की 6ठा युद्ध पोत है, ठीक है। हाँ तो ये सही है, ये कह रहा है ये 6 वेसल है, ठीक है, 6 है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें पहला वाला तो आपका गलत ही हो गया, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा, केवल दूसरा, ठीक है। कुछ चीज़ें उससे भी याद आ जाती हैं, ये वाला क्वेश्चन बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत भारी भरकम लग रहा होगा, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा गया रक्षा परीक्षण और सच्चता योजना DTIS के तहत भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रहरी ड्रोन, ठीक है, भारत का पहला जो मानव रहित ड्रोन है, सामान्य परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं पहले बता दें दोनों सही है, ठीक है, तभी आप ध्यान से पढ़ेंगे। यह परीक्षण केंद्र तमिलनाडु को अपने भारतीय परिचालन स्थापित करने की इच्छुक एयर स्पेस और रक्षा कंपनियों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने में सक्षम बनाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों सही है, तो एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो आपका दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए 12 अगस्त 2023 को केंद्रीय अमित शाह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में कहाँ इफको नैनो DAP संयंत्र का भूमि पूजन, ठीक है, एक दो किए हैं, एक ठीक भूमि पूजन इसमें किए हैं, एक में उद्घाटन ही कर दिए हम अभी उसको, या उसमें को इसका भी क्वेश्चन है, और शिलान्यास किया। तो ये गांधीधाम, याद रखिएगा गांधीधाम में, ठीक है, कहाँ पे, गांधीधाम में, ठीक है, याद रखिएगा गांधीधाम में। अब ये वाला बताइए, 12 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कियान डिस्टिलीज प्राइवेट लिमिटेड के एथेनॉल ENA बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इसका वो नहीं मिल रहा था ना, मतलब फिगर नहीं मिल रहा था नेट पे, इसीलिए नहीं लाए हैं, उसके लिए सॉरी। तो कहाँ पे, गोरखपुर में, याद रखिएगा गोरखपुर में। 12 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कियान, तो ये गोरखपुर में, तो कियान डिस्टिलाइज प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर में, इथेनॉल ENA बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास किया गोरखपुर में। अब देखिए बहुराष्ट्रीय अभ्यास मालाबार, तो मालाबार से रिलेटेड बताइए, मालाबार क्या, जापान आपका वो इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इस वर्ष इसका आयोजन 11 से 21 अगस्त 2023 के मध्य सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। तो हाँ एकदम सही है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, सही है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या कर रहा है, इसकी मेज़बानी रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा दोनों सही है। पहली बात यही याद रखिएगा, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया कैसे है आपका, ये देखिए बना दे रहा हूँ, सही बनेगा नहीं, ठीक है, कुछ देख लीजिएगा, ऐसे कुछ है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, यहीं पे मालाबार, मालाबार, ठीक है, मतलब PDF निकालिएगा तो हंसिएगा थोड़ा मत, ठीक है, तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा सही बनाना चाहिए था हमको, ठीक है। तो प्लीज मालाबार याद रखिएगा, ठीक है, एक्सरसाइज, ठीक है। तो आपका रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना द्वारा किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, कहाँ, सिडनी में, याद रखिएगा सिडनी में, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज।
चलिए यहाँ देखते हैं, अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने लिम्फेट फिलेरिया के लिए पूरे देश में दवा देने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA की वार्षिक पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। दूसरे चरण में कितने राज्यों में, 81 जिलों को कवर किया जा रहा है, तो कितने राज्यों में, तो 9 राज्यों में, ठीक है, याद रखिएगा 9 राज्यों में कवर किया जा रहा है। चलिए ये देखते हैं, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका शायद मैं वो लाया था कि नहीं इसका, चलिए हम देख लेते हैं। अगस्त 2023 में शुरू की गई भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला डी वाला सही नहीं है और सब सही है। इस प्रतियोगिता में 3 चरण होंगे, एक चैलेंज है, ठीक है, यह खुली और चुनौती प्रतियोगिता है। 9 अगस्त को इसका शुभारंभ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है, भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज, मतलब वहाँ पे टास्क दिया जाएगा, इतने देर में आपको वेब ब्राउजर एक डेवलप करना है, ठीक है, कौन सबसे अच्छा कर सकता है, ठीक है। और इसमें पुरस्कार की राशि जानते हैं 2 करोड़ नहीं होगी, पुरस्कार की राशि होगी 3.41 करोड़ रुपये, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कई संस्थाएं मिलकर कर रही हैं ना, भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2023 में किन दो देशों के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जाए तलवार, ठीक है, तो जाए जाए कहाँ, तो जाते हैं कहाँ, इंडिया वाले ज़्यादा जाते हैं कहाँ, UAE जाते हैं, तो जाए तो मतलब जाएँ, तो जाएँ तो जाएँ कहाँ, जाइए UAE चले जाइए, ठीक है, तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात को ये देखिए ये यहाँ पे हमारा अभ्यास चल रहा है, तो इंडिया एंड UAE, ठीक है, कहाँ किया गया, अब कहाँ किया गया ये भी पूछ सकता है आपका, कि कहाँ किया गया, दुबई में किया गया, ठीक है, दुबई में UAE, ठीक है, दुबई UAE में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा यही इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे, दुबई UAE में, तो नौसेना का अभ्यास है तो जानी है, इसमें दिया ही गया है, तो जाए कहाँ, तो जाइए UP में, जाए तलवार 2023 UAE, तो जाए कहाँ, इसे से याद कर लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में मैंग्रोव सेल, तो मैंग्रोव सेल की घोषणा किसने किया, पश्चिम बंगाल ने, याद रखिएगा किसने, पश्चिम बंगाल ने मैंग्रोव सेल की घोषणा किया। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, 21 जुलाई 2023 को इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपेलेंस कॉम्प्लेक्स हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट द्वारा रमन सेकंड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। स्काई रूट एरोस्पेस की योजना रमन सेकंड रॉकेट इंजन को अपने परीक्षण यान विक्रम फर्स्ट के चौथे चरण के लिए एकीकृत करना है, तो कौन सा इसमें सही होगा, तो इसमें आपका कौन सही हुआ, दोनों ही सही होगा, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, दोनों ही सही होगा। ये वाला देखिए, 5 जून 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सर्वानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एक्सप्रेस, याद रखिएगा MV एक्सप्रेस, ठीक है, MV एक्सप्रेस जो है को चेन्नई से किस देश के लिए हरी झंडी, अब देखिए जैसे ये इंडिया है तो चेन्नई यहाँ है, तो चेन्नई के पास कौन सा है, ये यहीं से छोटा सा कौन है, श्रीलंका, ठीक है, तो श्रीलंका है, तो कहें भैया यहीं से ले लो, क्यों इधर उधर जाना, मालदीप इधर जाना पड़ेगा और ये सेशल्स बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो वो सब बहुत दूर हो जा रहे हैं, तो श्रीलंका ही पास है, भैया आप ही ले लीजिए, ठीक है, तो ये श्रीलंका, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए ये इन्होंने सर्वानंद सोनोवाल ने इन्होंने MV
को रवाना किया, ठीक है। एमबी एक्सप्रेस कहाँ से? चेन्नई से, ठीक है, याद रखिएगा, यही इम्पोर्टेंट है। कब रवाना किया ये भी याद रखिए, तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, ठीक है, 5 जून को, ठीक है। ये देखिए, ये एमबी एम्प्रेस है, याद रखिएगा, एम्प्रेस एक्सप्रेस नहीं है, एम्प्रेस, ठीक है, एम प्रेस, एमबी एम्प्रेस है, नहीं तो एम्प्रेस, एमबी एम्प्रेस, ठीक है, एमबी एम्प्रेस लिखा गया ना, एमबी एम्प्रेस लिखा गया ना, एक्सप्रेस में लिख दिया था, एमबी एम्प्रेस है। चलिए, ये वाला हो गया, अभी ये वाला देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इफको के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण कहाँ किया? ये कुछ फिगर देख लीजिए, इसके बाद वो क्वेश्चन आप, इफको नैनो डीएपी प्लांट कहाँ है? श्री अमित शाह जी ने किया, कहाँ पे? कलोल गुजरात में, ठीक है। नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं आए थे, मतलब दिया गया उनका फोटो, अमित शाह जी आए थे, मनसुख मांडी आए थे, तो अमित शाह जी करेंगे, तो इन्होंने इनोग्रेट किया है, अमित शाह जी ने, कहाँ पे? कलोल में, याद रखिएगा, कलोल में, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो कलोल में। तो अब देखिए, एक क्वेश्चन छूट गया था इसको, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैं लास्ट में लाया। अब देखिए, इस क्वेश्चन की अहमियत क्या है? ये माया ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा, माया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये माया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय द्वारा स्वदेशी रूप से, ठीक है, याद रखिएगा, स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, रूप से विकसित किया गया है। अब इसका काम क्या है? ये रक्षा मंत्रालय के जितने भी मतलब कंप्यूटर हैं, उनमें इसको इंस्टॉल कर देना, कि मतलब इसको इंस्टॉल किया जाए, तो रक्षा मंत्रालय के लिए, याद रखिए, सॉरी, रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर में इंस्टॉल करना, ठीक है, इंस्टॉल करना, ये माया ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर में पूरी तरह मतलब इसको इंस्टॉल कर देना है। अब एक चीज़ और पूछ सकता है, आधारित किस पर है? तो आधारित है ओपन सोर्स उबंटू पर, उबंटू पर, याद रखिएगा, इसी पे आधारित है, ओपन सोर्स उबंटू पर आधारित है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम रक्षा मंत्रालय द्वारा ये ऑपरेशन ओपन सोर्स उबंटू पर आधारित है, इसमें मतलब इसका है कि रक्षा में कोई भी साइबर अटैक ना हो पाए, ठीक है, इसलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया गया। देखिए, माया है ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखिए 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। इफको का जो डीएपी से कल्लोल में सर्वानंद सोनेवाल जी ने क्या किया था? श्रीलंका को भेज दिया था कि आ जाइए, थोड़ा सा चक्कर लगा के आइए एमबी एक्सप्रेस को, ठीक है। तो अब देखिए, और ये पहला मतलब जो हैदराबाद में स्टार्टअप रूडरमन रॉकेट इंजन का सफल, हैदराबाद स्थित स्टार्टअप, ठीक है, तो ये दोनों आप देख लीजिएगा। मैंग्रोव सेल, तो सेल सेल किसको कह सकते हैं? तो मैंग्रोव सेल मतलब जो कोशिका, यह सब कर पश्चिम बंगाल में, ठीक है, तो सेल मतलब जान लीजिए कि सेल, मैंग्रोव सेल की बात की है तो पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। एक चीज़ और याद कर लीजिए, हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक है, वो जीएस का पार्ट है। भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव आवरण वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो पहले, सबसे पहला है वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा, पहला वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, दूसरा पे है गुजरात, मतलब 5 सबसे ज़्यादा,
ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, गुजरात, तीसरा है अंडमान एंड निकोबार, याद रखिएगा अंडमान और निकोबार, चौथा है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, समझ जाएंगे, रुकिए मिटाते हैं, ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और पचवें पे महाराष्ट्र। ये मैंग्रोव वाले सबसे, मतलब ये सबसे ज़्यादा हैं, पहले वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। और देखिए ये जो यहाँ पे मैंग्रोव है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में है सबसे ज़्यादा, तो ये विश्व धरोहर भी शामिल किया गया है, ठीक है, मैं इसमें, तो याद रखिए वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाया जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या था, जायद, तो जाए जाए कहाँ, तो संयुक्त तो राज्य अमेरिका जाइए, यहाँ पे लिखा गया है भारतीय वेब ब्राउज़र, तो यहाँ 3.4 करोड़ की जो, मतलब कौन वेब ब्राउज़र डेवलप कर पाएगा, तो प्रतियोगिता हुई थी, राशि 3.41 करोड़ है। किसने किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना, तो यही करेंगे और कौन करेगा, 81.9 है कवर करना। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में, सिडनी में याद रखिएगा, सिडनी में, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज सिडनी में हुआ, ये देखिए ये कौन सा है, वही कह रहा, मालाबार सिडनी में हुआ। अब देखिए यहाँ गोरखपुर में, केयान डिस्ट्रीब्यूट प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर में, ठीक है, ये देखिए गांधीधाम एक और है, ये भी अमित शाह जी ने किया, गांधीधाम, ये देखिए कौन सा है, इसमें फर्स्ट और सेकंड, बढ़िया ध्यान से पढ़ लीजिए वीडियो रोक के। अब देखिए विंध्यागिरी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, छठवां है, 17 बनाया गया था, दूसरा सही होगा सिर्फ, ठीक है, तो पहला गलत होगा। परबल एक रिवाल्वर है, जिसको कट्टा कहते हैं, कट्टा है, इसकी 50 मीटर रेंज है, ठीक है, और क्या है, अस्त्र, हवा से, हवा में बात करने वाला है, तो ठीक है, तो अस्त्र क्या है, हवा से हवा में, शस्त्र मतलब साथ में जब रहेगा, तो ये हवा से हवा में छोड़ दिया गया, तो साथ कहाँ है, तो उड़ गया, तो हवा से हवा, ऐसे इसका नाम ही से पता चल रहा है, हवा से हवा में, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये देखिए टोयोटा ने फ्लेक्स फ्यूल, ठीक है, तो टोयोटा ने फ्लेक्स फ्यूल, टोयोटा कोलोकर मोटर ने फ्लेक्स फ्यूल विकसित किया है। अब देखिए विभव, विभव क्या है, एंटी टैंक, जो मतलब माइंस को हो, माइंस होता है, इसको रखेंगे और बोम से उड़ जाएगा, चाइना वाला टैंक, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये है, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। ये गुरमीत सिंह ने, ये क्या है, इंद्रजाल, इंद्रजाल का लोकार्पण किया, मतलब ये कोई वो नहीं है, मतलब ये वो है, ठीक है, ड्रोन, ठीक है, याद रखिएगा। ये महेंद्र गिरी मझगांव, किसने, इनकी पत्नी जगदीप धनखड़ की, सुदेव धनखड़ ने, वहाँ पे आप सक दे सकता है जगदीप धनखड़, गलत हो जाएगा, सुदेव धनखड़, और इस मुंबई द्वारा, ठीक है, तो याद रखिएगा महेंद्र गिरी, माँ से महेंद्र, माँ से मुंबई, तो याद रखिएगा महेंद्र, मुंबई। 21वां वरुण अभ्यास इंडिया फ्रांस के बीच में अरब सागर में नौसेना द्वारा, ठीक है, और क्या है, लैंग्वेज पॉइंट, जहाँ सूर्य और पृथ्वी का आकर्षण बल शून्य हो जाता है, C-57 से, ठीक है, याद रखिएगा, ये हो गया C-57। आदित्य यलवन 2 सितंबर, दो गांधी जी के जन्म के 1 साल पहले, 1 महीने पहले, पुरुषोत्तम सहवाल पार्क कहाँ पे, तमिलनाडु में, याद रखिएगा सहवाल पार्क तमिलनाडु में। देखिए सेकंड 2024 में आएगा, पूरा 16 2025 में आ जाएगा। स्पेन के द्वारा एयरबस कंपनी थी C-295MB। अब देखिए ऑपरेशन सजग समुद्री तट पर चलाया गया, एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है ऑपरेशन सजग से, ठीक है। ये फोर्ट बेन राइट अलास्का में आयोजित किया जा रहा वार्षिक अभ्यास, ठीक है, तो युद्ध अभ्यास अलास्का में, मालाबार सिडनी में। देखिए मोंगी MG बुरुंडी, ई लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी ई क्योमी, ठीक है, तो इन्होंने, ठीक है, तो 6 महीने का जितना भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, साइंस से, ये सब सब पूरा
कवर कर लिए हैं, ठीक है। एकीमो को मत भूलिएगा, ये तो केमिस्ट्री में पाई है, एकीमो, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रहा होगा इस वीडियो में, अगर लगेगा कुछ मेहनत हमने किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।